हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, इसमें डिस्क आर्किटेक्चर, या आप इसे बोल सकते हैं हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर या मैग्नेटिक डिस्क आर्किटेक्चर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये रिलेटेड है, अगर आप डिस्क से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप पढ़ रहे हैं तो आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चर आप पूरा डिफाइन करेंगे डिस्क का, वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। एंड इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का तो ये पार्ट है ही है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्क शेड्यूलिंग की बात, डिस्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं या मैग्नेटिक डिस्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले डिस्क आपने देखे होंगे तो वो आपके सर्कुलर वे में होते हैं। डिस्क में सबसे पहले आपके जो होते हैं ये आपके प्लैटर्स होते हैं, ये डिफरेंट प्लैटर्स आपके होंगे, आप मल्टीपल प्लैटर्स आपके होते हैं एक कंडीशन में, इनको हम लोग बोलते हैं प्लैटर्स। ये प्लैटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एक, यहां पर आपका ये एक कनेक्टेड होगा आपका स्प्लिंडर से, स्प्लिंडर से ये कनेक्टेड होते हैं। इस स्प्लिंडर के ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपके मूव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में जब आप देखते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ओल्ड मूवी जब आती है तो आपका डिस्क लगी होती है, वो चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो होता है वो सॉन्ग जो होता है वो प्ले होता है। तो वही आपका है, ये सारे आपके स्प्लेंडर से कनेक्टेड होते हैं एंड इस स्प्लेंडर के ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपके क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, उसके थ्रू आपका जो होता है डिस्क जो होती है वर्क करेगी। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट आपका कनेक्टेड होता है वो होता है आपका एक्चुएटर आर्म्स। एक्चुएटर आर्म्स जो होता है वो इसको दोनों सरफेस, आप टॉप सरफेस और डाउन सरफेस, दोनों सरफेस जो होते हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं। और जो ये एक्चुएटर आर्म की जो कंडीशन है वो आपकी मूव करती है लेफ्ट राइट आपका ये क्या करेगा, आपका मूव करता है लेफ्ट राइट, ये क्या करेगा आपका मूव करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका क्या होते हैं, प्लैटर्स होते हैं। इस प्लैटर के को जो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है वो स्प्लेंडर के थ्रू ये मूव करते हैं। इसके अलावा एक एक्चुएटर आर्म होता है जो इसको लेफ्ट एंड राइट जो होता है वो मूव करता है, जिसके थ्रू आपके डिफरेंट इसमें जो सेक्टर आएंगे उन सेक्टर को वो सिलेक्ट करेगा, या ट्रैक जो आएंगे उनको ट्रैक को आएंगे क्या करता है, सिलेक्ट करता है किस ट्रैक पे आप है, वो आपका ये एक्चुएटर आर्म आपकी डिफाइन करती है। अब जब हम प्लेटर की बात करते हैं तो प्लेटर में दो सरफेस होते हैं, एक आपका अप सरफेस, मान लीजिए ये आपका प्लेटर है, ये प्लेटर है, इसमें ये अप सरफेस है, ये डाउन सरफेस है। तो जो आर्म होती है वो अप सरफेस को भी आपका कनेक्ट करेगी और डाउन सरफेस को भी आपका कनेक्ट करेगी और वही चीज आपकी दोनों में परफॉर्म होगी। तो प्लेटर के बाद आपके जो प्लेटर है वो मल्टीपल ट्रैक में डिवाइडेड होते हैं। अब यहां पर आप बात करेंगे तो ये देखिए ये मल्टीपल जो होते हैं, ये हर एक प्लेटर जो है मल्टीपल ट्रैक, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रैक। इसके बाद आता है आपका सरफेस, प्लेटर जो है सरफेस में डिवाइड हुआ एंड उसके बाद आपके ये हो गए आपके ट्रैक। ट्रैक्स के बाद देखिए हर एक प्लेटर आपका मल्टीपल क्या होगा, ट्रैक्स में डिवाइडेड होगा। ट्रैक के बाद अब हर एक ट्रैक जो होता है वो मल्टीपल आपके सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। देखिए ये आपके मल्टीपल क्या है, सेक्टर्स होते हैं इसमें, हर एक ट्रैक में मल्टीपल क्या होंगे, सेक्टर होंगे आपके। ये अगर आप बात करें ये क्या है, ये सेक्टर्स है। मल्टीपल ट्रैक जो होते हैं वो किस में डिवाइडेड होते हैं आपके, वो होते हैं आपके सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में ही डिवाइड होंगे हर एक। अगर आप ट्रैक की बात करें तो मल्टीपल सेक्टर्स में ये क्या होगा, डिवाइड होगा एंड इन सेक्टर के अंदर आप क्या स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। मान लीजिए यहां पर आपने कोई डेटा जो है वो स्टोर किया है, डेटा वन, यहां पर आपने डेटा टू स्टोर किया है, ऐसे यहां पर आप डेटा स्टोर करें तो इसके अंदर आपका डेटा जो होता है स्टोर होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो आपकी हार्ड डिस्क है वो आपका वर्क करता है। ये पूरा आर्किटेक्चर होता है आपका किसका, हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके प्लैटर्स होते हैं, वो प्लेटर आपका अप सर्फेस डाउन सर्फेस दो सर्फेसेस इसमें होते हैं। उसके बाद हर एक प्लेटर आपके डिफरेंट ट्रैक्स में डिवाइडेड होते हैं, आपके ट्रैक जो होते हैं 256 भी हो सकते हैं, 512 भी हो सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, हर एक ट्रैक जो होता है मल्टीपल सेक्टर में डिवाइडेड होता है, 512 सेक्टर हो सकते हैं।
और हर एक सेक्टर के अंदर कुछ डेटा आपका क्या होता है, स्टोर होता है, एंड इसके अकॉर्डिंग आप डिस्कस साइज जो है वो डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, और यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे आपका डिस्कस साइज क्या होगा। एग्जांपल में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके मान लीजिए आपके पास प्लेटर जो है वो 8 है, 8 प्लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास प्लेटर है। आपसे पूछा कि नंबर ऑफ सर्फेस आपके कितने होंगे, नंबर ऑफ सर्फेस कितने होंगे, हर एक प्लेटर पे दो आपके सर्फेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सर्फेस कितने हो जाएंगे, 8 to the 16। डायरेक्ट आप यहाँ पर एग्जाम्पल आंसर दे सकते हैं, जो आपका सर्फेस है वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16। अगर इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करें तो 16 तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सर्फेस काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये कह रहा है कि जो आपके ट्रैक है, हर एक प्लेटर जो है वो कितने ट्रैक में डिवाइडेड हो रहा है, वो ट्रैक में डिवाइडेड हो रहा है आपका 256 ट्रैक में डिवाइडेड हो रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रैक कितने हो जाएंगे आपके, 8 × 2 × 256 आप करेंगे तो इतने आपके क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक हो जाएंगे आपके किसमें, 8 प्लेटर में। मान लीजिए इसके बाद उसने बोला इसमें जो सेक्टर है वो आपके 512 सेक्टर्स में है, 512 सेक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हो जाएंगे आपके, प्लेटर जितने थे 8 प्लेटर इंटू 2, हर एक का सर्फेस 2 है, उसमें आपका ट्रैक जो है वो 256 है और सेक्टर आपके 512 है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स अवेलेबल इन डिस्क, ये आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अगर आपसे वो बोलता है कि सर्फेस आप एक ही लें तो यहाँ पर आप फिर 1 लिख देंगे उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपके 2 सर्फेस तो होते ही होते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपके पास इसने डेटा भी जो दिया वो दिया 512 KB का आपको डेटा यहाँ पर दे दिया है, तो 512 KB है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क साइज आपका क्या हो जाएगा, इसमें जनरेट हो जाएगा। अगर आप डिस्क साइज की बात करें तो डिस्क साइज आपका ये जनरेट हो जाएगा, आपको इनको इंटू करेंगे आप उतना KB आपका डिस्क साइज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। बट आप यहाँ पर याद रखिए, आप 1 KB को इक्वलेंट लिखते हैं 10^10, 1 MB आपका होता है 2^20, 1 GB आपका होता है 2^30, एंड 1 TB आपका होता है 2^40। तो हम इसको 2^ में डिवाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल डिस्क साइज यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो 2^2 × 4 × 8 × 16 होता है आपका 2^ ये 3 हो जाएगा आपका, ये 2^1 है, ये इंटू हो जाएगा 2, 2^4 × 8 × 16 × 32 × 64 256 इस टाइप से आपका जनरेट होगा। तो 256 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2^4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 64 × 128 × 128 × 256, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जनरेट हो रहा है 2^8, इसकी वैल्यू जो हो रही 2^8 हो रही है। एंड 512 इसमें एक और 2 ऐड करेंगे तो 512 हो जाएगा इंटू 2^152, 9 हो जाएगा। जब KB को आप B में कन्वर्ट करेंगे तो 2^ यहां पर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब जब आप इसको कंप्लीट को ऐड करेंगे तो आपका कितना ये जनरेट हो रहा है, देखिए 9 9 18, ये कितना हो जाएगा 28, 29 और 29 30 आपका ये हो चुका है एज अ 2^4, तो ये हो गया आपका 2^40, ये आप बाइट आपका यहां पर जनरेट हुआ है। 2^40 को हम लोग एज अ लिख सकते हैं 1 TB, तो यानी यहां पर जो जनरेट हो रहा है वो आपका 1 TB, ये एज अ क्या आ रहा है आपका, डिस्क साइज। तो डिस्क साइज की हम लोग बात करते हैं तो डिस्क साइज आपका आ रहा है 1 TB, 1 TB डिस्क साइज आपका जनरेट हो रहा है अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है वो जनरेट होता है। और इसमें अगर नंबर ऑफ बिट हम लोग बात करते हैं फॉर डिस्क साइज, नंबर ऑफ बिट्स इन डिस्क साइज, डिस्क साइज में हम लोग बात करेंगे तो वो कितने नंबर ऑफ बिट आपके हो रहे हैं, 2^40, तो ये 40 जो बिट है वो आपकी जनरेट हो रही है डिस्क साइज में। तो 40 बिट यहाँ पर क्या होगा आपका, डिस्क साइज में जो आपकी बिट यूज हो रही है वो 40 बिट आपकी यूज हो रही है। और टोटल साइज की हम लोग बात करेंगे तो 1 TB आपका साइज यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो इस टाइप से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो जनरेट होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप इसका आर्किटेक्चर की बात करें तो इस टाइप से सबसे पहले प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर के 2 सर्फेस होंगे आपके, सर्फेस
इसके बाद इसमें ट्रैक में डिवाइडेड होता है आपका प्लेटर्स एंड उसके बाद वो सेक्टर्स में डिवाइड होगा एंड उसके अंदर आप डेटा क्या करते हैं स्टोर करते हैं। तो ये पूरा आर्किटेक्चर है आपका। थैंक यू स्टूडेंट।